ये नज़ारा है सहरसा जंक्शन पर खड़ी सहरसा अमृतसर एक्सप्रेस के जनरल डिब्बे का। ट्रेन के किसी भी जनरल डिब्बे में पैर रखने तक की जगह नहीं है। ट्रेन में भारी भीड़ होने से रोजी रोटी के लिए बिहार से बाहर जा रहे मजदूरों को सबसे अधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रोजगार की तलाश में घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर जा रहे कोसी और सीमांचल क्षेत्र के ये मजदूर सवारी न मिलने से परेशान हैं। भीषण गर्मी के बावजूद सहरसा से दिल्ली और पंजाब जाने वाली ट्रेनों में काफी भीड़ देखी जा रही है। धान रोपण के दिनों में पंजाब जाने वाले मजदूरों की लंबी कतार है। ट्रेन में बैठने की जगह न मिलने के कारण बहुत से मजदूर यात्री कई घंटों और दिनों से प्लेटफॉर्म पर बैठे अगली ट्रेन के इंतजार में हैं। मधेपुरा जिले के मुरलीगंज से आए बबलू यादव इन परिस्थितियों पर सरकार से नाराज दिखे और कहा कि अंबाला जाने के लिए जनरल टिकट 350 रुपये का मिलता है, लेकिन जनरल डिब्बे में पैर रखने की जगह नहीं है। 3 दिनों से स्टेशन पर बैठे हैं, सरकार भी हम प्रवासी मजदूरों के लिए कुछ नहीं कर रही है। हम अमृतसर जाने वाले हैं, ये 3 दिन से यहाँ पे बैठा है, ना सरकार कुछ कर रहा है, इतना पब्लिक है बैठा, किस लिए बैठा है? सरकार खिला रहा है अपने जेब से? चला एक मजदूर आदमी है, हम मजदूर आदमी रोजी रोटी कमाएगा फिर ही खाएगा ना? स्टेशन पे तीन दिन से बैठा है, सरकार क्यों नहीं कुछ कर रहा है? क्या करने के लिए आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अमृतसर जाना है, कोई किसी को जलंधर जाना है, किसी को लुधियाना जाना है। क्या करने के लिए जाते हैं? मजदूरी करने के लिए जाते हैं। यहाँ पे आप लोग को रोजगार नहीं है? यहाँ पे रोजगार होता तो 2 दिन का रास्ता सफर जरूर करता, 3 दिन का हाँ। यहाँ पे कौन सा रोजगार है? सारा रोजगार तो दे दिया पंजाब में सरकार ने, जहाँ पे घूस मिलता है सरकार को वहाँ पे दे देता है। ट्रेन में बैठने तक का जगह नहीं था क्या? पैर रखने का जगह नहीं है तो बैठने का क्या? बैठने का बात ही दूर, पैर रखने का जगह नहीं है ट्रेन में। अब आप लोग क्या कीजिएगा? अब क्या किया जाएगा? यहाँ पे पढ़ना बिछा के सोएंगे और क्या करेंगे? जब गाड़ी आएगा फिर ही ना, तब तक सरकार को आशीर्वाद देते हैं। रविशंकर कुमार भी पंजाब के अंबाला जाने के लिए मधेपुरा से सहरसा जंक्शन पहुंचे थे। ट्रेन में जगह न मिलने के कारण पिछले 5 दिनों से स्टेशन पर ही बैठे हैं। उन्होंने बताया कि वे धान की खेती करने पंजाब जा रहे हैं। रोज ट्रेन के टिकट खरीदते हैं, पर जनरल डिब्बे में इतनी भीड़ होती है कि बिल्कुल भी जगह नहीं होती। उन्होंने आगे कहा कि इस रूट में ट्रेनों की बहुत कमी है, इसलिए सरकार इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। गरीब रथ सहित और जो 1-2 ट्रेनें हैं उनमें बिल्कुल भी जगह नहीं है। ट्रेन तो मिले सर, लेकिन ट्रेन में इतना भीड़ था ना, घुसे लेकिन घुसने के बाद जगह नहीं था। एक टांग पे खड़ा होकर कितना घंटा लोग खड़ा हो सकता है सर? गाड़ी इस रूट में नहीं बढ़ा रहा, कम से कम इस रूट में 4 गो गाड़ी होना चाहिए। क्या करने के लिए जाते हैं? हम लोग धान रोपने के लिए जा रहते हैं। धान रोपने के लिए हर साल जाते हैं? हर साल जाते हैं। बिहार में रोजगार नहीं है? बिहार में रोजगार है लेकिन उतना नहीं मिलता है। अभी भूखल प्यासल 5 दिन से बैठे हुए हैं, लेकिन गाड़ी पर नहीं चढ़ पा रहे हैं। टिकट लेते हैं, टिकट वापस करना पड़ता है, इतना भीड़ रहता है। टिकट वापस करना? हाँ, वापस करना पड़ता है, वो भी पैसा कट जाता है ना। जो एसी वाले गाड़ी में घूमता है, जैसे गरीब रथ दिया गया गरीब के नाम से, लेकिन अमीर को टिकट मिलता है, गरीब को जल्दी मिलता नहीं है। गरीब कहाँ से जाएगा? 500 रुपया तो कमाता है तो 500 रुपया में बचता है 50 रुपया उसको महंगाई के रेट से। गरीब आदमी कहाँ से चलाएगा? ऐसे में तो कर्जू खत्म हो जाएगा। तो घर कैसे चलाते हैं? घर चलाते हैं, नीमक रोटी खाते हैं, प्रभु गुण गाते हैं। अब वोट के टाइम आता है तब नमस्ते करता है, लेकिन हम लोग तो दे देते हैं, लेकिन हम लोग बेवान नहीं है, बेवान तो होता है राजनीति वाले। सिकंदर पासवान भी पिछले कई दिनों से रेलगाड़ियों में जगह के अभाव के कारण स्टेशन पर रुकने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में रोजगार नहीं है और महंगाई के दिनों में परिवार को पालने के लिए मजबूर होकर बाहर जाने का ही एकमात्र विकल्प बचता है। अंबाला जा रहे हैं, क्या करने के लिए? धान लगाने। तो क्या हुआ, ट्रेन नहीं मिली? अरे ट्रेन बच्चा लिए जाते भीड़ ले जाए, एक टांग पर खड़ा है मैं कते बर्दाश्त जैसे 4-5 घंटा खड़ा पर हुए पड़े जाए। एगो गाड़ी छे मरने मरती है कि बचती है पब्लिक, या गाड़ी 2-3 जनसभा जना छे, 2 जनसभा आ जाए तो
सवारी की पब्लिक की कर दी एगो गाड़ी से मरे पति के पसीना शरीर से चुभ रहे दिक्कत एते दिक्कत होइ छै जे हेबे करै छै बिहार में नहि छै रोजगार वगैरह रोजगार रहतै तऽ पर गरीब आदमी मर जेबे करतै परदेश यार एक टका कमबै छै दू टका खर्चै छै कथीमे निमक तेल हर चीज महगाइ कए लेलकै यऽ आ मजदूरी छेबे नहि करलै 100 टका कहलक मजदूरी देबऽ 100 टका देबऽ चलऽ 100 टकामे पेट चलेबै आ कि बाल बच्चा खी निमक तेल लाबबै।